हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं संगमेश्वर सप्तेश्वर महादेव, जो कि बिल्कुल जंगल के बीच में है। और वहाँ पे शिवलिंग की पूजा ना होकर स्वयं भू है जिनकी पूजा की जाती है, एंड ये बिल्कुल जंगल के बीच में है। और गूगल मैप्स पे इसका रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं बता रहा है, तो देखते हैं पूछते हुए कैसे भी जाएंगे। अगर भोलेनाथ की इच्छा है तो ऑब्वियसली आज दर्शन करके ही मानेंगे हम। संगमेश्वर जाने के लिए हमको पहले गणपति पुले जाना पड़ेगा बस से, और बस स्टॉप जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं पहुँचते हैं। जब निकले थे तब तो थोड़ा बादल वाला मौसम था, अब जैसे ही चलना स्टार्ट किया है ना धूप आ गई है। अभी हम स्टॉप पे तो पहुँच गए हैं, लेकिन बस शायद 1 घंटे बाद आएगी, तो हमें अभी बस का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली हम गणपति पुले पहुँच गए हैं, एंड सबसे पहले पेट पूजा हमने मंगाई है, मिसल पाव। ये मिसल पाव, डू यू लाइक मिसल पाव? आई लव मिसल पाव। ओके, तो अभी हम मिसल पाव खाएंगे एंड फिर हम निकलेंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे? उसके बाद में अपन सप्तेश्वर महादेव का मंदिर देखना है जो संगमेश्वर में है। यस। कैसी है मिसल पाव? बहुत टेस्टी है। हैप्पी किड? यस। तो फाइनली वी आर डन विद लंच। मिसल पाव और छाछ, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, है ना? बहुत बेस्ट था। मज़ा आया? हाँ यार, एक नंबर, बहुत अच्छा था। मैंने ना मिसल पाव मतलब कभी जयपुर में कभी ट्राई नहीं किया था, यहाँ पे महाराष्ट्र साइड आके ही मैंने पहली बार ट्राई किया, और सीरियसली मतलब बेस्ट है ब्रेकफास्ट के लिए। अपन ने लंच में खाया है। हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच एक। जंगल के बीच में से होते हुए हम पहुंच गए हैं सप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है ना, मॉनसून के टाइम पे बिल्कुल जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब जगह ग्रीनरी होती है। अभी थोड़ी कम ग्रीनरी है, ये मेरे पीछे सप्तेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पे सब जगह आम के पेड़ हैं, आप देख सकते हो। ये मैंगो है, सब जगह यहाँ पे आम के पेड़ हैं। बचपन में यार ऐसे गेट्स पे ना बहुत झूला खाते थे, मेरे को बहुत मज़ा आता था। इसके पैर ऐसे बीच में पैर रख लेते थे और फिर ऐसे झूलते रहते थे। अभी तू नहीं झूल सकती। तूने भी झूला है क्या बचपन में ऐसे? हाँ। बस क्या मांगा? वो बताते नहीं है। तो मंदिर के बाहर ये कुंड है, इसका भी एक महत्व है। ये अभी बारिश का टाइम नहीं है तो ये इतना क्लियर पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है जब भी बारिश का टाइम होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो है ना, ये जो यहाँ से अंदर ये जो 5 गेट है इनको पंचगंगा कहा जाता है, और यहाँ से एक धारा बहती है जो इस कुंड में आती है वहाँ उसके ज़रिए। और यहाँ का पानी जो है अभी इतना क्लियर नहीं है, बट हाँ बारिश के टाइम पे एकदम ब्लू कलर का एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है। और इसमें फिशेस भी हैं, दिख नहीं रही होगी, मैं एक सेकंड थोड़ा सा पास जाती हूँ तो आपको दिखेगी, यहाँ पे फिशेस भी हैं पानी में। ये जो धारा है ना, ये यहाँ से आगे से आ रही है और ये धारा यहाँ से नीचे होती हुई कुंड में जा रही है। यार कितना अमेजिंग है, ये पूरे जंगल के बीच में है ये मंदिर, और इतना सुंदर कुंड वगैरह सब स्ट्रक्चर बन रखा है।
अभी तो ये यहाँ पे इनको पेंट कर दिया गया है, बट लास्ट ईयर तक ये पेंट भी नहीं हुआ हो रखा था। और ये पूरा सिर्फ पत्थर का जो स्ट्रक्चर है ना वो था यहाँ पे, और ये कुंड था, और फिर ये मंदिर। मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, एकदम शांति है, और चिड़िया पक्षी इन सब के बोलने की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है, और मस्त छाँव में यार बैठे रहो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मस्त बिस्तर बिस्तर लगा के सो जाऊँ मैं यहाँ पे। बहुत सही है, बहुत वर्थ इट रहा यहाँ पे आना। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि यार ये जगह बारिश में कितनी अच्छी लगती होगी। बारिश में पता है क्या, यहाँ पे है ना ये जो दीवारें हैं ना इन पे भी ग्रीनरी हो जाती है, तो सब तरफ ग्रीन दिखता है ये। अभी ये पेंट भी अभी हुआ है, वरना ये पूरा पत्थर रहता है ना, तो पूरा ये सामने का दीवार सब कुछ ग्रीन रहता है। एंड ये वाटर का कलर लिटरली ब्लू कलर होता है, टर्कोइज कलर जो होता है ना वो होता है, पानी का कलर बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी भी मतलब ये पानी इतना क्लियर है, शायद ये कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा। Exactly. अभी भी अपन को फिशेस दिख रही हैं इसके अंदर आराम से। हाँ मतलब ये बारिश के टाइम में और क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा फ्लोइंग वाटर रहता है ना, तो इसीलिए तो पानी क्लियर होता चला जाता। बट लिटरली बिटवीन द जंगल, मतलब पूरे जंगल के अंदर बहुत चारों तरफ जंगल है, सिर्फ जंगल और कुछ भी नहीं है। इवन रोड्स भी नहीं है, हम यहाँ पे कच्चे रास्ते से, जो ये रेड मिट्टी वाला जो रास्ता है ना वहाँ से आए हम यहाँ पे। इट्स ब्यूटीफुल। चलें, चलो चलें। चलो फाइनली वापस 2 घंटे का ट्रैवल करना है, और वापस हमको पहुंचना है गणपति पुले। यहाँ से लग जाएंगे 2 घंटे लग जाएंगे, डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे, डेढ़ से 2 घंटा लगेगा। जाते टाइम कम टाइम लगता है ना, ऐसा रहता है ना, आते टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली आते टाइम अपन ढूंढ के भी आए थे ये जगह, पूछते आए थे, ढूंढते भी आए थे, लोगों से पूछ रहे थे हर 1-2 किलोमीटर पे, क्योंकि गूगल पे हमको ट्रस्ट नहीं है, गूगल बिल्कुल गलत रास्ता दिखाता है। एंड 1-2 बार हमारे साथ हो भी गया, गूगल कुछ और रास्ता दिखा रहा है और हमने जब लोकल से पूछा ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बता रहा था। हमने सोच लिया था भाई गूगल को फॉलो नहीं करना, जस्ट लोकल्स की हेल्प लो और फिर मंदिर तक पहुंचो, और हम एक्चुअली में लोकल्स की हेल्प लेके यहाँ मंदिर तक पहुंच गए थे।